अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं फिर से ले आई हूँ एक और वीडियो। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि ये थी, और मुझे बहुत से अच्छे व्यूज़ आए थे, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आई शुड मेक अ पार्ट टू ऑल्सो। तो आज जो है हम सारे के सारे आए हुए हैं, आज कोई मिसिंग नहीं है। आज मिशाल मामा, बाबा, तो बाबा को जो है मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ, उनको थोड़े बहुत काम थे, लेकिन स्टिल ही इज़ विद मी। थैंक यू अब्बा फॉर कमिंग। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वो आ गए हैं जिनने हमें लास्ट टाइम दिखाया था। लेट्स गो। फिर तो आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा, तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उसमें एज सच मैंने कोई शो विला नहीं दिखाया था, उसमें सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल दैट। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ शो विला। हु डजंट लव नेचर? आई थिंक वी ऑल डू। एंड एज यू कैन सी देर आर टू मेनी ट्रीज इनसाइड द कम्युनिटी। बहुत ज़्यादा धूप है भाई। तो ये हम आ गए हैं ऑलमोस्ट करीब करीब। अब थोड़ी सी हवा आई है, सुकून आ रहा है। हाँ, तो ये है शो विला। सो दिस इज द कार पार्क, और यहाँ पे इंटीरियर और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बाबा ये कितने बेडरूम्स वाला है? ये डबल हाइटेड एंट्रेंस है इसकी। फ्रंट इसका जो है वो फसाद। नाइस। सो दिस इज द गैरेज। हाँ सही बात है, वहाँ पे तो प्लांट्स हैं। हाँ, इट्स अ शो विला। Once you enter the house, there is a majlis at your right side, and you guys look at it. कितनी खूबसूरत है, कितनी मॉडर्न है, and look at the chandelier. और सामने से जो है वो रास्ता जाता है बाहर जाने के लिए। तो साथ में जो है there is a guest bedroom, और आप देख सकते हैं कि इतने कोई dark shades जो है room में use नहीं किए गए, और आजकल जो है यही ज़्यादा in है अगर आप देखें तो। And the best thing about this room was the view. Here is this huge window जहाँ से आप सुबह सुबह उठ कर अपनी आँखें ताज़ा कर सकते हैं, ऐसे कर्टन हटा के पूरा वो मूवी वाली वाइब आएगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइज दैट इट वॉज अ 5-bedroom villa, और आप देख सकते हो कि कितना ह्यूज है। Here is this beautiful guest washroom which is attached to the room, और वो लाइट्स आप देख सकते हैं मिरर के पीछे कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। ये शावर एरिया है, और सामने ये विंडो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही थी। Very nice, I like it. हाँ, you know you will get the idea that how to, yes. I'll just show you. So beautiful, right? Yeah. तो यहाँ पे आपको ना इंटीरियर के भी जो है आइडियाज मिलेंगे। तो यहाँ से एंटर होंगे, सामने मस्जिद आएगी, वो रूम आएगा, एंड देन हियर इफ यू विल कम मेड रूम, एंड देन लॉन्ड्री एरिया, देन देयर इज अ स्टेयरकेस। या आई लाइक दिस व्यू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। फिर यहाँ पे अंदर आते ही से किचन, ये आ गया है जी किचन। ये सामने था फ्रिज, और सामने आप देख सकते हैं कैबिनेट सुपर नीचे, एंड देन लुक एट द काउंटर, वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से पॉट्स हैं, सामने विंडो भी बहुत खूबसूरत है। मुझे पर्सनली ये किचन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि देर इज़ अ काउंटर इन द मिडल, और ये आप देख सकते हो ये डिश वॉशर है, और छोटा नहीं है किचन। मुझे छोटे किचन जो है ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। औरतों के लिए तो किचन ही सबसे बेस्ट होता है मम्मा, आपको कैसा लगा ये, है ना? एंड लुक एट इट, कितना कूल है ये जी। और ये सब यहाँ पे टच है। फिर सीधा आते ही because the infrastructure is minimalistic, so the furniture should go to the same time.
तो अभी हम बाहर जाते हैं। मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा ना ये एरिया बहुत पसंद आया, क्योंकि ये बहुत फैसिनेट करता है मुझे। अगर घर में जो है आपका स्विमिंग पूल हो तो क्या ही बात है। एंड ये देखें बाहर से कैसा लग रहा है जी। हमने बाहर देख लिया, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो ये था यहाँ पे सिटिंग एरिया विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है किचन। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं यहाँ से। ऐसे कुछ भी नहीं है ऊपर, शैंडलियर वगैरह। ओके, ऊपर आते ही हियर्स अ बेडरूम, और इसके साथ अटैच बाथरूम विच इज अगेन सो कूल, बड़ा भी है, और ड्रेसिंग एरिया, और यहाँ पे द व्यू आउटसाइड। अभी तो यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट्स वाई इतना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन इट विल बी ऑल ग्रीन। लेट्स गो आउट। तो ये चिल्ड्रन बेडरूम है। वेट, तो ये कवर्ड एरिया है। अगेन देयर इज अ बाथरूम, अनदर वॉशरूम हियर, वेरी कूल, और यहाँ पे शॉवर एरिया। स्टेयरकेस के राइट पे जब आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है लिविंग रूम है। I'll go inside. This is the dressing room. Spacious. This is the master bedroom. Yes. It's cool. It's closet area is so beautiful. Yeah. It's for the bathroom. Even for the town offices. Sir, kitchen sir construction date. Is a construction water pura ban raha hai. Pura aise green rahega aapke charon side. Ye to 15 din pehle lagaya hai sir sab pe. Ji yaar. We should have a kitchen up here. Exactly here, yeah, here is a kitchen up here. By the way, this is 5 bedrooms, but the same size of 4 bedrooms. Yeah. Because this is the first phase, which is called Sindhya, which is having smaller sizes. I love this name, Sindhya. Sindhya, it means that's a wood. Yeah, it's a wood name. Exactly. विजिट तो हो गया, ये वाला काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खूबसूरत था, इट वॉज रियली नाइस, और काफ़ी स्पेशियस है। तो अभी हम चलते हैं आगे। कितना ग्रीन है, बेसिकली जो प्रॉपर्टी का जो मेन कंसेप्ट है, दे गिविंग यू ग्रीन कम्युनिटी एंड विद अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अराउंड यू, जैसे पार्क्स हो गया। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जो पार्ट वन है, जाके ज़रूर देखिएगा, आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, प्लान से पता चलेगा कि व्हाट दे आर एक्चुअली ऑफरिंग यू। अब यहाँ क्या करने आए बाबा? सुल्तान अल कासिम ने इसका इफ्तिताह किया है 29 सितंबर को। अच्छा, तो ये ऑफिस है, साइट ऑफिस है, साइट ऑफिस। हम सेल्स ऑफिस गए थे, साइट ऑफिस पूल था, यहाँ से हम ऊपर आए थे, दैट वाज द स्विमिंग पूल, यहाँ आपने झूला लिया था, यहाँ से आप एंटर हुए थे। दिस इज द एंड, अभी हम लोग यहाँ पे ऑफिस में, और ये है टाउन हाउसेस जिसको कहते हैं, ये जॉइंट जुड़े हुए होते हैं दो विलास,
उसमें जो कोने वाला जो टाउन हाउस होता है ना, ये वाला, ये ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आपको जो पार्क साइज है वो ज़्यादा मिल जाता है कोने वाला। तो टाउन हाउसेज मतलब ये आपका घर होगा आधा, ये आधा किसी और का होगा। यहाँ वाले जब अगर कोई कील ठोकेंगे तो ये वाले शोर मचाएंगे, और यहाँ वालों का एसी ख़राब हुआ, उनकी लीकेज हुई, तो वहाँ वाले घर में भी जाएगा पानी। तो दिस इज़ दी डिसएडवांटेज ऑफ टाउन हाउस। और वो जो होता है वो स्टैंड अलोन विला होता है, जिसकी सारी दीवारें आपकी होती हैं, आपको किसी से लेना देना नहीं होता है। आपकी मम्मा हिंदो में खूब चिल्ला सकती हैं। ओके, वुडलैंड, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, ओके, स्मार्ट जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक, 13 किलोमीटर वुडलैंड साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक्स, इट्स बिटवीन द ट्रीज, ओके, बिटवीन द ट्रीज, ओके, वुडलैंड, दोस विल बी दैट ग्रीन हिल्स, ओके, ऑल विद द ट्रीज, स्विमिंग पूल्स, टेनिस कोर्ट्स, ऑलराइट, परफेक्ट, योगा जोन्स, Perfect. तो एज यूजुअल हम लोग अपनी कॉफी ले रहे हैं एंड देन विल मूव। थैंक यू। तो बस हियर कम्स द एंड ऑफ द व्लॉग। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा वीडियो से। और इसमें सिर्फ आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी, ऑल्सो इफ आई हैव शोन यू द शो विला, दैट मींस आप थोड़ा इंटीरियर का भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना, क्या कहते हैं, हाँ, कलर इंटीरियर डिजाइन मिनिमलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया लें एंड देन यस राइट डेवलपर्स के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एंड दिस डेवलपर इज रियली ट्रस्टवर्दी, इट्स नाइस। जहाँ तक मैंने देखा है दे आर वेरी नाइस। द गाइस नंबर वी विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन हमदी हैज बीन वेरी मच सपोर्टिव एंड थैंक्स टू हमदी एंड टीम एंड या। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।